मामला पशु चिकित्सालय का है, जहां कुसुम नाम की महिला अपने पशु को लेकर इलाज के लिए पशु चिकित्सालय गई थी, लेकिन महिला का कहना है कि वहां जाने पर काफी देर तक वहां इंतजार करती रही और किसी डॉक्टर ने उसके पशु को नहीं देखा। तब उसने उपजिलाधिकारी दफ्तर आकर शिकायत की तो उपजिलाधिकारी ने दोबारा अस्पताल भेज दिया। दोबारा अस्पताल जाने पर अस्पताल के कर्मचारी व डॉक्टर के द्वारा महिला के साथ अश्लील व्यवहार किया गया, गालियां दी गई, मारपिटाई की गई। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने मेरी साड़ी उतारने की कोशिश की और उसे गलत जगह छूने की कोशिश की, जिसकी रिपोर्ट महिलाओं ने अनूप शहर थाने में कराई, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने अपना रजिस्टर खुद पढ़कर कुसुम पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु कुसुम की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और कुसुम की फरियाद नहीं सुनी रही। कुसुम अपने लिए न्याय मांगने के लिए थाने के चक्कर लगा रही है। महिला का कहना है कि काफी समय से इस डॉक्टर की शिकायतें आ रही हैं और अक्सर महिलाओं के साथ इस डॉक्टर के द्वारा अश्लील व्यवहार किया जाता है। तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, अरे तुम तो शांत रहो, मारने की बात कर रहे हो, मारने की बात कर रहे हो, मार दो। सीनियर डॉक्टर बदतमीजी करते हुए महिला से, ये देवेंद्र सिंह नो बोल लेते, जो भी करा जाए हमसे कर लेना 2:30 बजे के बाद। तहसील अनुपसर जिला बुलंद से। क्या मामला हुआ है? मैं पशु अस्पताल में बकरा लेके गई थी। कौन से अस्पताल में? पशु जो अनुपसर में। अनुपसर में, अच्छा। फिर क्या था, वहाँ मैं 8 घंटा खड़ी रही, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। किसी हाथ में वाइपर था, किसी के हाथ में झाड़ू थी, किसी के हाथ में पाइप था। अब वो डॉक्टर इस तरीका से, जो कर्मचारी थे, इस तरीका से सफाई कर रहे थे। इतनी मैं 8 घंटा के उपरांत मैं SDM के पास में आई थी। मैंने SDM साहब, मैंने मुझे दवा नहीं मिली, अस्पताल में बात भी नहीं बूझी है। तो उन्होंने कॉल करी थी, मैं दोबारा वहाँ भेजी। उन्होंने जब मैं दोबारा भेजी थी तो अब वो देवेंद्र नाम का कहने लगो, अरे तू वहाँ क्या चली गई, इतना बदतमीजी से मेरे से बातें करी। क्या कहा आपसे? क्या तू वहाँ गई SDM के पास में, वहीं से दवा ले आती? अच्छा। जहाँ चौ आई है बाद में। ये आपसे कहा, किसने कहा? मतलब देवेंद्र ने। कौन है वो? वो कंप्यूटर दीख है, कंप्यूटर है देवेंद्र, और एक है विजेंद्र नाम का लड़का। अच्छा, क्या कह दिया आपसे? तो क्या तू गई था SDM के पास में ही, जहाँ का आई है दवा लेने, वहीं तो लिया है, ले जाती दवाई। तो मैंने बोला था, मैं डॉक्टर साहब, मैं इतना बदतमीज क्यों बोल रही हो तुम? जब तुम सुनवाई ना कर रहे तो तुम्हारे ऊपर तो कोई ताऊ बैठे हैं, तो भाना जा सकूं मैं? तो मेरा लड़का वीडियो बना रहा हूँ, तो जो का नाम महावीर नाम का, और मेरे बेटे पे चिपट करो। अच्छा, क्या तू वीडियो क्यों बना रहा है? अब मेरे से इतनी बात कह के देवेंद्र बोला, तेरा काजल रिगट दूंगा। काजल रिगट दूंगा तेरा, मतलब तेरे साथ में गलत, जैसे रेप हेप की बात आती का, क्या तेरा काजल रिगट दूंगा। तो मैं बोली, मन के रिगट के देखियो, मन कैसे रिगट हो जावे काजल। तो मेरे जहाँ हाथ मारो और ये साड़ी फाड़ दी मेरी। कहाँ हाथ मारा आपके? जहाँ आगे हाथ मारा था, ऐसे करके दिखाते जो बताऊं। किसने मारा, किसने करा? देवेंद्र ने। देवेंद्र ने? हाँ, देवेंद्र ने, और विजेंद्र था उसके साथ। मतलब गलत गलत जगह आपको टच करने की कोशिश की? हाँ हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? इसके बाद में उन्होंने मेरी वीडियो बनाई। मैं बोली, मैंने कही, मन के तू रिगट के देख मेरा काजल कैसे दिखेगा, रिगट के देख, मैं तेरे दूसरे पर चप्पल पेलूंगी मैंने ऐसे ढंग से। तो अब इतने में और मेरे बेटे पर चिपट गए, और वहाँ मतलब हाथापाई करी। इनके पास में वीडियो है वो, और तुम वीडियो देख सकते हो, पर मुझे वीडियो ना बनाने दे मेरे बेटे को। अच्छा, इसके उपरांत तो मेरे ऊपर रजिस्टर फाड़ने का उसका केस लगा के थाने में दे दिया है। अच्छा, कल पहले आपने रिपोर्ट करी थी? कल मैंने, उसके बाद उन्होंने। मैं थाने आई थी, मैंने उनको दिखाया था इंस्पेक्टर को, मैंने देखो मेरी। अच्छा, ये साड़ी अभी भी फटी हुई है आपकी? मैंने कहा ये साड़ी भी फाड़ दी है मेरी, यहाँ गलत जगह हाथ डाला था, साड़ी भी फाड़ दी है मेरी। फिर मैं यहाँ पास में आई थी थाने में, तो अब वो बोले इंस्पेक्टर साहब, एक एप्लीकेशन लिख के लाओ, एप्लीकेशन लिख के लाओ। तो मैंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद में फिर उन्होंने दिया है मेरे पे केस बनाया है उन्होंने, मेरे पे, मेरे बेटे पे। अब मुझे धमकी दे रहे हैं, या तो हमारे पैर छू ले और ना तेरे बेटे को जेल भेजेंगे। ये किसने धमकी दी आपको? महावीर ने। क्या कहा है? क्या या तो हमारे पैर छू अस्पताल में आके, हाँ, और नहीं तेरे बेटे को जेल भेजेंगे हम। ये कहा है? हाँ, ना केस डालेंगे इस तरीका। अब मैं चारों लंग भाग रही हूँ और मेरी कोई सुनवाई ना है।